नमस्ते एंड हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर प्रीशा एंड पूजा यूट्यूब चैनल। आपने लास्ट वीडियो मतलब हमारे बेडरूम में एक और पार्ट टू में देखा ही है कि हमने बेड का फ्रेम रेडी कर दिया है। बेड का फ्रेम रेडी करने के बाद अभी ये जो आप देख रहे हैं, हम लोग ने एक एंगल लिया है। एंगल एक हम लोग मेजरमेंट के लिए लिया है, उतना ही गैप छोड़ छोड़ के हम लोग टेप मार रहे हैं। और यहाँ हम लोग टेप मार रहे हैं इसलिए क्योंकि यहाँ हेडबोर्ड लगना है। हेडबोर्ड हम लोग नहीं लगाने वाले, हेडबोर्ड की जगह हम लोग पेंटिंग करने वाले हैं जो कि हेडबोर्ड जैसा ही दिखेगा। तो आप देख रहे हैं हम लोग यहाँ टेप मार रहे हैं, जिससे टेप मारने से हम लोग को पेंटिंग करने के लिए ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगा। इजीली मेजरमेंट लेने की ज़रूरत नहीं, टेप से एक ऐसा टेप पूरा पेंट कर देंगे एक साथ में। और टेप जो स्टिकर लगा रहे टेप का, वाइट टेप, ये स्टिक एक ही बार निकाल देंगे तो हम लोग का जो गैपिंग है वो अच्छे से दिखेगा। देख रहे हैं आप लोग, हमारा पूरा टेप लगा के हो गया है। वर्टिकल टेप लगाने के बाद अभी उसके ऊपर जो हॉरिजेंटल एक लाइन से टेप इक्वली लगा देंगे, और वही हॉरिजेंटल लाइन की जो टेप का मेजरमेंट है वही बेड के साइड में भी हम लोग स्टिक कर देंगे। और बेड के साइड में जो हॉरिजेंटल लाइन से हम लोग ने टेप चिटकाया है उसके नीचे ही ये जो कलर बना रहे हम लोग लाइट पर्पल कलर, ये बेड के साइड में पूरा अप्लाई कर देंगे। अब हम लोग जो हेडबोर्ड की जगह हम लोग ने जो टेप वाइट सेलो टेप चिटकाया है उसकी जगह येलो कलर पूरी तरह फिल कर देंगे। ये सेलो टेप इसलिए चिटकाया है ताकि आपको एक एक मेजरमेंट ले लेके मारने की ज़रूरत नहीं, आप पूरा कलर बिंदास मतलब फ्री माइंडेड आप मार सकते हो। और एक ही बार स्टिकर निकालने से आपका जो प्रॉपर आपको लाइनिंग चाहिए वो मिल जाएगी। ये देखिए हम लोग जो हॉरिजेंटल लाइन बेड के ऊपर जो मारे थे हम लोग पर्पल कलर, उसके ऊपर एक स्क्वायर में हम लोग चॉकलेटी कलर मारने वाले, उसके लिए भी हम लोग ने सेलो टेप चिटकाया है जिससे वो जो ब्रैकेट है अच्छे से ब्रैकेट के अंदर ही कलर आ जाए। आप देख रहे हैं तो चलो जो बॉर्डर पे टेप मारे थे बॉर्डर के लिए, बॉर्डर अच्छे से आए करके अभी वो टेप निकाल देंगे। ये देखिए हम लोग चॉकलेटी जो मारे थे उसका बॉर्डर का टेप निकाल दिए। ये देखिए अब जो हेडबोर्ड के लिए हम लोग ने येलो कलर मारा था उसका भी जो स्ट्रिपिंग लाइन के लिए हम लोग ने बीच बीच में टेप मारा था वो भी निकाल देते हैं। और हाँ, कलर पूरी तरह सूखने के बाद ही निकालिएगा। हमने जो कलर मारा था हम एक्साइटेड थे कि कैसा दिखेगा, इसके लिए हम लोग ने कलर सूखने के पहले ही निकाल दिया। तो थोड़ा थोड़ा किधर गीला था टेप इसलिए रह गया है, पर वो भी निकल जाता है। ये देखिए हम लोग सब टेप निकाल रहे हैं, तो चलो देखते हैं कैसा दिखता है टेप निकालने के बाद। ये देख रहे टेप हम लोग ने निकाल दिया है। अब टेप निकालने के बाद ये देखिए इधर जगह खाली है तो इधर भी हम लोग कुछ डिजाइन देंगे। ये देखिए हम लोग मेजर लेके दो वर्टिकल एक पोल टाइप बनाएंगे, और पोल के लिए हम लोग के पास बड़ी स्केल नहीं है तो हमारे पास ये ट्यूबलाइट थी, तो ट्यूबलाइट को हम लोग ने स्केल बना के यूज़ किया है। आप की कुछ भी चीज़ लेके आप यूज़ कर सकते हैं। आप अगर काम करना रहेगा तो आप किधर से भी रास्ता रुकता नहीं है, कुछ ना कुछ रास्ता दिख ही जाता है। ये देखिए हम लोग ने घर का जो टोप रहता है उसका ढक्कन यूज़ किया। अभी देखिए एक हम लोग दो पोल बनाएंगे, एक लाइट ग्रीन कलर बनाएंगे और एक डार्क ग्रीन का पेंट करेंगे। तो देखिए चलो देखते कैसे बनाते हैं। पेंटिंग कंप्लीट हो गई है और देख रहे हैं नीचे कलर गिर गया था, तो कलर हम लोग ने साफ़ सफाई करने के बाद अभी ये प्लाई रखेंगे इसके ऊपर फ्रेम के ऊपर। दो हम लोग ने दो पीस में प्लाई कटा के लिया है, वुड प्लाई। तो ये देख रहे हैं ये भी हम लोग ने जिधर से एंगल परचेस किया है ना उसके पीछे लकड़ी का भी मार्केट है, वो भी आपको अच्छे रेट में मिल जाएगा होलसेल रेट में। ये देखिए हम लोग ने दो पीस में प्लाई कट करा के लाया और ये देखिए एकदम कम्फर्टेबल बैठ गया है, आप देख रहे हैं। और ये नीचे स्टोरेज भी है। आज के लिए बस इतना ही, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।